हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों की जाती है अकाउंटिंग, इसके उद्देश्य क्या हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा अकाउंटिंग करने का है, दैट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. किसके रिकॉर्ड्स रखेंगे आप? सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसका मतलब क्या है कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शंस जो कि आपकी मनी टर्म में यानी कि फाइनेंशियल करेक्टर की होंगी, आप सारी ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड करेंगे. अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड आप रखते हैं, तो आपके मिस्टेक्स के और फ्रॉड्स के चांसेस कम से कम हो जाएंगे. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एज पर द रूल्स गाइडलाइंस गिवन बाय द ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं. उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू डू अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप अकाउंट्स में अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं. अदरवाइज आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा. और एट लास्ट जब आप हैवी लॉसेस बियर कर रहे होंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द सिचुएशन. और उस टाइम पे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और बिजनेस अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो आपको जो अकाउंट्स बनाने इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को चेक कर पाएं, सो डैट अगर किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं, तो आप उसको टाइमली रिमूव कर पाए डिटेक्ट करके. नेक्स्ट वन इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. यानी कि अगर आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस ट्रांजैक्शन की वजह से या किस प्रोडक्ट की वजह से, किस डिपार्टमेंट की वजह से, वो आप चेकआउट करना ज़रूरी है. और लॉसेस क्यों हो रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं लॉस बियर कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं. अगर प्रॉफिट आपके पिछले ईयर के मुकाबले इस बार कम हुए हैं तो क्यों हुए हैं, किस डिपार्टमेंट की वजह से या किस प्रोडक्ट की वजह से हुए हैं, तो आपको वो सब चीज़ें भी चेकआउट करने में हेल्प करता है अकाउंट्स. Next one is, next objective to do accounting is to ascertain, जो अभी हमने accounting cycle में भी कभी पढ़ा था, to ascertain the financial position of the business. Financial position of business. जो आपका business है उसकी financial position क्या है market में, वो जान लेना भी ज़रूरी होता है. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के सहारे बिजनेस नहीं चलता है. उसके बेसिस पे सिर्फ आप स्ट्रेटजीज नहीं बनाते हैं, आपको फाइनेंशियल पोजीशंस यानी कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों की वैल्यू जानना ज़रूरी है, सो डैट आप एक्चुअल में जान पाओ कि आपकी जो बिजनेस की आगे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी रहेगी, आपके जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने आपसे क्रेडिट में लिया हुआ है या आपने जिनसे क्रेडिट में लिया हुआ है, तो वो कितनी जल्दी आप पे ऑफ कर पा रहे हैं, या फिर जो डेटर्स हैं वो आपको कितने टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं. सो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपको अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आजकल जो ट्रांजेक्शन हैं वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर देयर, तो उसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज टू असर्टेन the progress of business year to year. आप एक साल का प्रॉफिट या लॉस तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके बेसिस पे ना आप कोई कंपैरिजन कर सकते हैं ना आप कोई डिसीजन ले सकते हैं इतनी जल्दी. ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट ईयर्स के जानने ज़रूरी हो जाते हैं. आपको ये ट्रेंड देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट्स की ओर जा रहा है या फिर लॉसेस की ओर जा रहा है.
ठीक है, तो ये असरटेन करने में भी, प्रोग्रेस असरटेन करने में भी बिजनेस की आपकी अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखिए, कोई भी मिस्टेक होगी तो आप डिटेक्ट कर पाओगे अगर आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे। दूसरी बात, आप फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप अगर ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, अपने छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो किसी भी तरह के फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज आपकी हर एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है वो इनवॉइसेस के बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, तो आपकी मैच चलता है, उसमें मैच होता रहेगा, टैली होता रहेगा ट्रांजेक्शंस। अगर कहीं भी एरर आएगा, यू विल गेट टू नो अबाउट फ्रॉड्स। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए वेरियस पार्टीज को, लेकिन कैसे कीजिएगा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं? तो आपको डिफरेंट पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब इन डिफरेंट पार्टीज की जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कौन है? वो आपके वही आ जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स, ठीक है, आपके बैंकर्स, ठीक है, जिन्होंने आपको लोन देना है, आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और जनरल पब्लिक, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ये सभी आपके पार्टीज में आ जाते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना किसी तरह से आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होती है टू असेस द वैल्यू ऑफ योर कंपनी, वेदर टू गिव यू लोन, वेदर टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट, वेदर टू बी एम्प्लॉयड इन योर कंपनी और नॉट, बिकॉज एम्प्लॉयर्स को चाहिए सैलरी, और सैलरी वो ऑब्वियस सी बात है हाइक चाहेंगे सैलरी में। अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वो आपके प्रॉफिट्स पे लगातार नज़र बनाए रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट पार्टीज जो आपके आपसे रिलेटेड होती है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको अपनी फाइनेंशियल पोजिशन कम्युनिकेट करने के लिए, उनके अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बताने के लिए आपको अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे आपके अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि आप अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, तो ये मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। आप इतना रिवाइज कीजिएगा, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।